కేంద్రంలో మూడోసారి అధికారం చేపట్టనున్న మోదీ ఏపీ బీహార్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలన్నారు కాంగ్రెస్ నేత జైరామ్ రమేష్. అలాగే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. బీహార్ తో పాటు దేశమంతా కులగణన చేపట్టాలన్నారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరిస్తేనే ప్రజలు బీజేపీని నమ్ముతారన్నారు. ఎన్డీఏలో కింగ్ మేకర్ అయిన జేడీయూ టీడీపీ ఆయా రాష్ట్రాల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలన్నారు జైరామ్ రమేష్. एक तिहाई प्रधानमंत्री से हमारे चार सवाल हैं, दो आंध्र प्रदेश को लेकर और दो बिहार को लेकर. आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए. 10 साल हुए, ये नहीं हुआ. क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं. क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में दो सवाल है. एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को. नीतीश कुमार जी ने 10 साल से यह मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े. पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जाति जनगणना को लेकर है. नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी कहा किया है. क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा, और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम, हमारे संविधान, ये जो संविधान है जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं, इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं?